अभी देखिए गाइस, मम्मी है ना शिकायत कर रहे हैं, उनके ऊपर वाले जो दांत है ना उनके कवर किए हैं, वो दोनों हिल गए थे इसीलिए। तो अभी उसकी सेटिंग नहीं आ रही है, तो मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि सेटिंग नहीं आ रही है, अभी वापस जाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। और यहाँ पे मैं और भाभी बना रहे हैं खाना, परोठा, मेथी के पराठे और दही तिखा रही। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने वाली हूँ दही का, पापा लेके आए हैं बाजार से। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ले लिया है दही, भाभी ने यहाँ पे आटा भी भून लिया है, तो मैं तिखारी बना लेती हूँ, तब तक आटा भी सेट हो जाएगा। और भाई को आने में अभी वक्त है, वो आदिपुर पहुँचा था थोड़ी देर पहले जब कॉल किया था ना तब। तो यहाँ पे मैंने ली है आलू और मिर्ची की पेस्ट, जो मैंने अच्छी तरह से कुचल ली है। अभी तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे जीरा, जीरा डालेंगे। चलिए हो गया है ऑयल गरम, मैंने डाल दिया है इसमें जीरा। ना चार है, चार चालू है, त्रण है, त्रण है। अभी डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, उसके बाद ये जो हमने पेस्ट रेडी की है वो डाल रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से उसे भून लेना है। इसका थोड़ा सा तीखास निकल जाए उसके बाद हम डालेंगे दही। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाकी के जो सारे मसाले ना वो हम डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर है और नमक और थोड़ी सी हींग, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें खाना पचाने। तो हमारी यहाँ पे दही तिखारी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए, अगर आप चाहे तो ज्यादा कलर करने के लिए आप हल्दी पाउडर ज्यादा डाल सकते हैं, यहाँ पर परफेक्ट कलर है, लेकिन शूटिंग में इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा लाइट ज्यादा है ना इसलिए। और मम्मी और पापा यहाँ पे आरती करने के लिए बैठ गए हैं। Thank you.
अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी पराठा बना रहे हैं तो मेथी कहाँ से आई, तो ये कसूरी मेथी है, यानी कि जो मेथी सीजन में जब मेथी होती है तब हम लोग उसे सुखा के रख देते हैं ना, वो मेथी है सूखी हुई, अभी नीली मेथी नहीं है। मुझे भाभी को रितेश भाई को ना बहुत ज्यादा पसंद है ये पराठे। अभी रितेश भाई को कॉल किया था मैंने, लेकिन वो आज फ्री नहीं है, उसे कुछ काम था ऑफिस का, इसीलिए वो आ नहीं पाया। उसे तो बहुत ज्यादा पसंद है ये पराठे। ये पराठे और जो मूली आती है ना, मूली के पत्ते की जो ढोकली बनती है, वो दोनों उसके फेवरेट है। लेकिन मूली की जो ढोकली है पत्तों की, वो तो सिर्फ ठंडियों के सीजन में ही हम बना सकते हैं, उसकी कोई हम उसे सुखा के तो रख नहीं सकते हैं। उसे उसके जब पत्ते हरे होते हैं ना, तभी उसकी ढोकली बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है बाजरी के आटे के साथ। भाई भी आ गया है अहमदाबाद से वापस, अभी बज रहे हैं 9:15। भाई 8 बजे आ गया था, लेकिन हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, दो पराठे और दही तिखारी अचार, और हमने कल जो मूंगफली उबली थी ना, वो भाई के लिए रखी थी, वो भी हमने साथ में ले ली है।